हेलो फ्रेंड्स, हमने आज तक एजुकेशन सिस्टम के बारे में कई कंप्लेंट सुने हैं। इस वीडियो में मैं एक सलूशन डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो इसके दो पहलू हैं, एक है क्वांटिटी और दूसरी है क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब हर बच्चे को, चाहे वो दूर दराज के गांव में ही क्यों ना रहता हो, उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। यह काम तो गवर्नमेंट और NGOs ही कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज शायद ये काम ना ही करें। दूर दराज के गाँवों में उन्हें प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो मैं क्वालिटी डिस्कस करना चाहूँगा, मतलब जिन लोगों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है उन्हें एक्चुअल में यूज़फुल और मीनिंगफुल एजुकेशन मिले। मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे कैसे संभालते हैं, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, इस देश के कानून क्या है, हेल्थ और सेक्स एजुकेशन, एडोलेसेंट ईयर्स में बॉडी की कैसे केयर करनी चाहिए, फीलिंग्स को कैसे समझना चाहिए, फर्स्ट एड, साइंस, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। हाँ, इनमें से कई चीज़ें स्कूल्स में क्लास 6 से 10 तक कवर तो होती है, लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी यूज़लेस चीज़ें कवर होती हैं। मेरा मानना है कि ये जो मसनो चीज़ें हैं ये 6 महीने में सीखे जा सकते हैं। अब चाहे वो 2 महीने हर 6th, 7th और 8th क्लास में ही क्यों ना हो, और बाकी वक्त में हम कुछ और चीज़ें सीख सकते हैं। इसी के आधार पर मैंने 2 साल पहले अल्टरस्कूल इंडिया नाम से एक वेबसाइट निकाली थी। अब इस चैनल के ज़रिए मैं साइंस की जो एक्साइटमेंट होती है, साइंस का जो इसेंस होता है, वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। मतलब हम साइंस को सीखते हैं लेकिन साइंटिफिक मेथड नहीं सीखते, हम साइंस को रटते हैं। NCERT वालों का भी यही एम है, लेकिन वो डिटेल्स में खो जाते हैं। तो अगर आपको साइंस का इसेंस समझना है तो मुझे या इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।